चीज़ ये चीज़ अरबाज भाई के मुझ से थोड़ा बाहर आ रहा है। अस्सलामुअलैकुम गाइज, वेलकम टू कराची फूडीज़। मेरा नाम है मोहम्मद अमीन और मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त अरबाज खान साहब। अरबाज भाई, आपने मेरा नाम ले लिया। आप हमें कहाँ लेके आए ये बताएं पहले तो। यार मुझे ये पता चला था इंटरनेट से कि आजकल जो एक पिज़्ज़ा वायरल हो रहा है, जो कि इनकी मेकिंग बहुत ज़्यादा यूनिक है। नान एक्सप्रेस इनका नाम है, बाकी मेकिंग तो हम अभी लोगों को वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी मेकिंग देखने के लिए। और मुझे लगता है कि ये ऐसा पिज़्ज़ा इन्होंने कभी ट्राई नहीं किया होगा। तो अब आप बताएं क्या मतलब एरिया तो बताएं कहाँ लेके आए। यार एरिया तो फिर इनको वीडियो कंप्लीट देखनी पड़ेगी ना, एरिया भी उसमें पता चलेगा इनको मेकिंग भी पता चलेगा। हाँ, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। हाँ, आए आपको खिलाते हैं नान पिज़्ज़ा। गाइस, तो आपको मिलाते हैं अब नान एक्सप्रेस के ओनर से। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कहिए। अल्लाह का शुक्र सर। नाम बताएं अपना प्यारा सा। ताहा। ताहा भाई, ताहा भाई कैसे हैं आप? शुक्र मालिक का। आप बताएं। ताहा भाई, बड़ा यूनिक सा सेटअप लग रहा है आपका। कोशिश करिए ज़रा यूनिक सा करने की। अच्छा, तो आप मुझे बताएं कि क्या क्या क्वालिटी है आपके पास पिज्जे के अंदर और क्या क्या। सर हमारी स्पेशलिटी बेसिकली है थिन क्रस्ट नान बेस्ड पिज़्ज़ा बनाने की, जो कि बेसिकली जो ओरिजिनल पिज़्ज़ा स्टाइल है बनाने का। आपको पता है कि आजकल जो यूजली पिज़्ज़ा सर्व हो रहे हैं वो हो रहे हैं मैदा बेस्ड पे, एक थिक क्रस्ट पे, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि एक पुरानी रिवायत को दोबारा से रिवाइव करने की, नान के ऊपर पिज़्ज़ा खिलाने की, जो कि दूसरे मुल्कों में तो दिया जाता है, यहाँ पे इतना कॉमनली अवेलेबल नहीं होता। मतलब किसी को भी अगर यूनिक पिज़्ज़ा थोड़ा बहुत सा खाना हो तो वो यहाँ पे आपके पास आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और अपना एड्रेस थोड़ा सा गाइड करेंगे हमारे नाज़रीन को आप? बहुत ईजी सा एड्रेस है, मुनव्वर चौरंगी, बहुत मशहूर है गुलिस्तान जौहर में, बिल्कुल बिनाशिम के अपोजिट हम लोकेटेड हैं। ईजली और ईजी तरीका ये है कि आप गूगल मैप पे नान एक्सप्रेस लिखेंगे और डायरेक्ट हमारे कियोस्क पे पहुंच जाएंगे। अच्छा, हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे तो हम लोगों ने नान एक्सप्रेस थोड़ा इधर उधर देखा, पर आपने एक नाम थोड़ा सा इस तरह लिखा हुआ है, ये एक सीधा बनाया है एक उल्टा बनाया है। यार ये छोटे भाई की बस शरारत है, तो थोड़ा अच्छा लग रहा था इसलिए हमने ओके कर दिया। चले होना चाहिए, थोड़ा कुछ अलग होना चाहिए। आप मुझे इसकी टाइमिंग्स वगैरह बताएं यहाँ की अपनी। सर करंटली रमज़ान में जो हमारी टाइमिंग चल रही है वो इफ्तार से पहले हम 5:30 बजे तक ऑन कर लेते हैं और फिर थ्रू आउट शहरी तक हम यहाँ पे सर्व कर रहे होते हैं। सर्व क्या, बेसिकली लोग टेकअप ही ज़्यादा करते हैं, ज़ाहिर है क्योंकि कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं अभी, आपको पता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो उस चीज़ को प्रॉपर्ली फॉलो कर रहे हैं।
वो तो दिख रहा है मुझे कोशिश कर रहे हैं फॉलो करने की। मुझे प्राइस का भी बताएं आप, प्राइस क्या है इसके? देखें प्राइस हमारी जो मिनिमम स्टार्टिंग प्राइस है वो 300 है और ये वेरी करती है 300 से लेके पे 500-550 तक, जैसा कस्टमर डिमांड करता है उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं। तो प्राइस तो बहुत रीजनेबल है आप लोगों के पिज़्ज़ा के हवाले से। तो गाइस मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पे आके ट्राई करें इसको। तो हाँ भाई, आज हमें आप क्या खिला रहे हैं? यार हम आपको अपनी स्पेशलिटी खिलाते हैं जो कि हमारे मोस्ट रनिंग फ्लेवर्स हैं। एक हमारा कैल्जोन है जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है कस्टमर की तरफ से। सेंटर फिल्ड होता है, डी शेप बनता है, साथ ही साथ एक हम आपको नान बेस पिज़्ज़ा खिलाएंगे जो एक रनिंग आइटम है हमारे स्मोकी चिकन के नाम से। तो ये दो चीज़ें आप ट्राई करिएगा और अपना फीडबैक हमें लाजमी देगा। साथ ही साथ एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि हमारा जो बेसिकली बनाने का तरीका प्लस जो सारा सेटअप है ये वन ऑफ इट्स ओन काइंड है। सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मूवेबल हैं, इवन दो कि हमारी जो भट्टी है वो भी मूवेबल है। तो ये चीज़ थोड़ी सी डिफरेंशिएट करती है हमें दूसरे जो हमारे कॉम्पोनेंट्स हैं। ये आइडिया है बहुत यूनिक सा ना, तो आपने ये आइडिया लिया कहाँ से? ये थोड़ा इसका भी थोड़ा बता देना। सर आइडिया लेना क्या था, भट्टी पे तो हम देखते आ रहे हैं दूसरे मुल्कों में कि जिस तरह पिज़्ज़े बनते हैं, तो हमने सोचा कि अपने मुल्क में भी ज़रा बना के देखें ये वाला पिज़्ज़ा कैसा बनता है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शानदार बनता है, हमें तो बड़ा मज़ा आता है। आप लोग खाएंगे तो आप भी बताएंगे कैसा। पाकिस्तान से बाहर से मतलब आप लेके आए चलिए ज़बरदस्त, एक यूनिक सी चीज़ है, उसको ट्राई करते हैं और आपको रिव्यू देते हैं और आपको बताते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। कौन सा पिज़्ज़ा बना रहे हो? ये कैल्ज़ोन बन रहे हैं। वेलकम बैक गाइज, हमारे पास पिज़्ज़ा तैयार होके आ गए हैं। तो एक ये स्मोकी फ्लेवर है और एक है कैल्ज़ोन फ्लेवर। तो मैंने तो ये कैल्ज़ोन फ्लेवर जो है वो तो पहली दफ़ा देखा है, बाकी स्मोकी जो है वो थोड़ा देखने में तो वैसे ही लग रहा है पिज़्ज़ा की तरह, पर ये कि खा के पता करेंगे कि नान में कुछ अलग टेस्ट है या
वैसा ही है। अच्छा मीन में इन दोनों में फ़र्क ये है कि ये तो नॉर्मल पिज़्ज़ा जैसा है कि सारी चीज़ें आपको कोटिंग वगैरह बाहर नज़र आ रही है, बट ये जो कॉलजोन फ्लेवर है इनका तो ये इसलिए स्पेशल है क्योंकि ये पिज़्ज़ा की जो डो है उसको ये पैक कर देते हैं और सारी चिकन फिल्ड चीज़ वगैरह सब इसके अंदर ही हो जाता है, तो ये थोड़ा सा यूनिक है, इसको टेस्ट करने में मज़ा आएगा, तो बाकी आपको टेस्ट करके बताते हैं। तो मैं पहले ये ट्राई करता हूँ, आप वो ट्राई करो। स्मोकी का आपको रिव्यू देंगे अरबाज भाई, और कॉलजोन का रिव्यू मैं आपको देता हूँ। अरबाज भाई आपसे पहले मैं खा नहीं सकता, आपको पता है, तो आप भी पहले खाएं। तो पहले मैं ही दे देता हूँ। चीज़ी ये चीज़ अरबाज भाई के मुझसे थोड़ा बाहर आ रहा है, तो इससे आपको पता चल रहा होगा कि काफ़ी चीज़ी पी रहा है यार। ये वाकई बहुत ज़्यादा चीज़ी है, जो जैसा कि आपको चीज़ें उसकी नज़र भी आ रही होगी, और इसका फ्लेवर वाकई बहुत अच्छा है, स्मोकी फ्लेवर है, और टेस्ट इसका इसलिए डिफरेंट है क्योंकि आम पिज़्ज़ा में आपने देखा होगा डो उसकी बहुत ज़्यादा जो है वो थिक होती है, इसके डो भी थिन है, तो इनके जो फ्लेवर्स हैं वो बिल्कुल उभर के आ रहे हैं। बाकी आप होने के बावजूद ये जो है वो चीज़ ही बहुत ज़्यादा है। हाँ, और टेस्ट भी अरबाज भाई बोल रहे हैं अच्छा है। अब आपको अब आप बताइए फ्लेवर में बता दूँ कैसा है। नो डाउट कॉलजोन का फ्लेवर भी बहुत आला है, और पिज़्ज़ा जैसा है, पर पिज़्ज़ा से मेरे को अच्छा लग रहा है, अच्छा है टेस्ट, बहुत अच्छा है। मतलब पिज़्ज़ा जैसा है और पर पिज़्ज़ा जैसा है, मतलब क्या है? मतलब पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा नहीं है, पिज़्ज़ा से मतलब ये है पिज़्ज़ा लेकिन आपको टेस्ट पिज़्ज़ा जैसा मिलेगा, आप ये कहना चाहते हैं? भाई अब देसी फूडीज़ हैं, मैं तो इसको पिज़्ज़ा से ज़्यादा इसको प्रेफर करूँगा, हालाँकि मैंने वो खाया नहीं है, पर ये बहुत अच्छा है तो मैं इसको यार। वैसे हम लोग देसी फूडीज़ नहीं, हम कराची फूडीज़ हैं, देसी लवर्स हैं, ये मैं करेक्शन कर दूँ, पता लगे आप लोग देसी फूडीज़ सर्च करो और हमारा चैनल नहीं आएगा, कराची फूडीज़ को आपने सब्सक्राइब हर बस भाई, कराची फूडीज़ से सर्च करना है आपको। आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ऐसी यूनिक जगहें हम आपके लिए विजिट करते रहेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।